हेलो गाइस, बैक एन यूट्यूब माय चैनल। और आज गाइस चल रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो सो गाइस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। और आप देखिए बाइक भी आ चुकी है, सो अब चलते हैं घूमने के लिए कहीं बाहर। और अभी दादाजी और भाई है जो दो साथ जा रहे हैं, सो उनके आने के बाद हम चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो आपको पूरा रिव्यू दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, वो वीडियो के आपको एंड में पता चलेगा गाइस। तो वीडियो को आप फुल एंजॉय कीजिए। और तो फाइनली गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने लगाई है अभी। तो मैंने अभी एक मतलब हमारे यहाँ पे घर पे एक गिया का पौधा लगाया था, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा हो चुका है। तो मैं आपको एक बार इस साइड से दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए गाइस, ये आपको दिख रहा होगा शायद ही इतना बड़ा हो गया, फैल के चारों तरफ फैल चुका है और बहुत बड़ा हो चुका है भाई साहब, ज़बरदस्त। और इसके मतलब नीचे जो इसके आप देख सकते हो गाइस, इसके नीचे देख लो आप एक बार, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल मतलब अलग, ये चारों तरफ फैल चुका है। और नीचे जो ये पेड़ लगे हैं ये स्वीट पोटैटो के हैं, स्वीट पोटैटो जो आता है जिसमें। तो गाइज आपको ये नीचे का जो पेड़ दिख रहा है ये स्वीट पोटैटो, इसको हिंदी में अगर हमारे यहाँ पे तो शकरकंदी बोलते हैं, बट आई डोंट नो आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। अगर जो भी बोलते हैं आपको इसको तो कमेंट में ज़रूर बताएं क्या। ये देख लीजिए गाइज, ये भी मैंने लगाए थे। और आप देख लो, इसको देख लो गाइज, कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है यहाँ का, आप खुद देख सकते हो। मेरे पीछे का जो पूरा है खुद ही देख लीजिए गाइस, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, और भी क्लियर दिखेगा। ये देखिए गाइस, ऊपर तक फैला हुआ है, ऊपर तक आप देख सकते हो अच्छे से। इस बाइक आ चुकी है और मैं बहुत एक्साइटेडमेंट हूँ आज जाने के लिए। तो अब चलते हैं सीधा वहाँ पे और आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू, भाई कितना जबरदस्त है यार। गाइस मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया है जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ का, आप देख सकते हो पीछे मेरा व्यू। और आपको मैं अगर इधर की बात करूँ तो इधर का व्यू देख लीजिए आप एक बार। तो मैंने फाइनली आधा रास्ता कवर कर लिया है, अब कुछ ही देर में ज़्यादा ज़्यादा 5 या 10 मिनट में वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। और फिर करते हैं आगे का ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, तो वहाँ जाके आपको पूरा व्यू दिखाऊँगा भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा इन्जॉय कीजिए, ठीक है। Grew up a little too fast, I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans, only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration, don't need no validation, no more medication, just stress from meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute, I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now, I just need to numb the pain. तो फाइनली गाइज मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे कितना जबरदस्त सीन है यार, आप देख लो यार, खुद ही देख लो आप, मेरे पीछे देख लो पूरा गार्डन है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कुछ चीज़ें भी रखी हुई है, मैं आपको वहाँ पे पास में चल के दिखाता हूँ एक बार। आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये देखिए गाइज आप मेरे पीछे से दिख रहा होगा आपको, आई होप ये देख सकते हो आप। यहाँ पे फिसलने की जगह भी बच्चों के लिए, और यहाँ पे है झूला, मैं ट्राई करता हूँ एक बार यार खाने की, करते हैं कोशिश, इतनी दूर आए हैं तो सब कुछ तो करते हैं ना इन्जॉय। वाह क्या मतलब क्या ही बताऊँ भाई साहब, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है गाइस। अब देखिए कभी भी आप आओ यहाँ पे तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और यहाँ पे आना भाई साहब, एक नंबर का सीन आप देख सकते हो गाइस। अब चलते हैं यहाँ पे जो मंदिर है उसके अंदर चलते हैं और वहाँ पे दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं, तो उस मंदिर को देखना एक बार कितना ज़बरदस्त है। तो गाइस गाइज आप देख सकते हो मंदिर का जो है वो तो अभी मिला बंद, क्योंकि पंडित जी बोल रहे हैं कि 11 बजे बंद कर देते हैं इसको, तो कोई ना नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे। पंडित जी कितने बजे खुलता है? दर्शन तो अभी करा देंगे, तो दर्शन हो जाएंगे अभी, तो पंडित जी बोल रहे हैं दर्शन अभी करा देंगे, तो चलते हैं अंदर चल के दर्शन करते हैं, क्योंकि वैसे तो 11 बजे बंद कर देते हैं ये। ये गाइज आप जो मेरे पीछे देख रहे हो एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे भी है, ये संत जोगादास जी महाराज जी का मंदिर है, आप ऊपर देख सकते हो ऊपर, तो आई डोंट नो आपका उल्टा दिख रहा होगा, बट आप ऐसे देख लो गाइज, अंदर तो नहीं जा सकते बट आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, देख सकते हो गाइज। अब अंदर जो मेन मंदिर है यहाँ का, तो आपको मेन मंदिर के दर्शन करवाते हैं और वहाँ पे चलते हैं। तो देख लीजिए गाइज पंडित जी हमारे लिए ताला खोल रहे हैं दर्शन कराने के लिए, चलते हैं अंदर।
पंडित जी लाइट जोड़ो, लाइट ऑन करो। कितनी है लाइट? और लगवा देंगे, लगवा देंगे। तो आप देख सकते हो गाइस, जो मंदिर है काफी बड़ा मंदिर है, आप देख सकते हो पीछे से चारों तरफ से एक बार देख लीजिए गाइस, आपको दिखा दूं। और वो सामने जो दिख रहा है आपको वो है मंदिर, तो उनके पास चल के एक बार आपको दर्शन करवाते हैं वहां से। ये देखिए गाइस, हाँ पंडित जी बता रहे हैं किसका मंदिर, पंडित जी बताओ एक बार। दादू दयाल जी महाराज का मंदिर है, सुंदरदास जी महाराज की दीक्षा स्थली है। हाँ, तो जैसा कि आपने पंडित जी के मुंह से सुना तो ये उन्हीं का मंदिर है। तो आपको मैं पीछे वाले कैमरे से एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो पंडित जी, हाँ पंडित जी, आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, तो प्लीज सुनिए एक बार उनकी क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी पंडित जी, ये दादू दयाल जी महाराज का मंदिर है, सुंदरदास जी महाराज को यहाँ दीक्षा दी गई थी और दादू जी महाराज यहाँ पे पधारे थे। और यहाँ पहले जोधादास जी महाराज थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, महंत रामानंद जी महाराज थे। तो महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है जो कितने साल पुराना है? ये मंदिर वैसे जगह तो है करीब 475 साल पुरानी, यहाँ पे आए थे दादू जी महाराज। लेकिन ये मंदिर अभी सन 1982 में तो पहले पुराना छोटा मंदिर बनाया, ये 2006 में बड़ा बना है। एट परसेंट यहाँ के जो महंत किशन देव स्वामी मैं हूँ जो यहाँ सेवा पूजा करता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो इसका कार्यभार संभालते हैं वो है ये हैं। और आप जैसा देख रहे हो मंदिर काफ़ी अच्छा है और कितने साल पुराना है, तो गाइस आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। गाइज, आपको वीडियो में आया होगा मज़ा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। यार तुम्हारे छोटे भाई का चैनल है, फुल सपोर्ट दिखाओ, आते रहेंगे ऐसे फाड़ू फाड़ू वीडियो।